सुगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आप लोग बताऊंगा कि BGMI के अंदर कैसे गए, जहां पे जो नेक्स्ट वाला अपडेट के अंदर चार आप लोग का अपग्रेडेबल ग्लेशियर का है, जहां पे गन का स्किन आने वाला है, तो उसको आप लोग सस्ते में यहां पे निकाल सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर उसी को लेकर पूरा डिटेल में यहां पे बात करने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। और साथ में चैनल में पहली बार आओ जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो गए जहां पे बात करते कि कौन कौन सा गए जहां पे आप लोग का अपग्रेडेबल गन का स्किन आने वाला है, तो बता दो गाइस कि यहां पे जो सबसे पहला आप लोग का इवेंट आने वाला है वो गाइस जहां पे आप लोग का गेम के अंदर आएगा 27 नवंबर को, और इसमें गाइस जहां पे फर्स्ट अल्टीमेट सेट यहां पे देख सकते हो गाइस ये वाला आप लोग का आएगा, और इसी के साथ में गाइस जहां पे एक UGI का ग्लेशियर का आप लोग को स्किन, और साथ में गाइस जहां पे ओल्ड वाला गाइस जहां पे रिटर्न स्किन के बारे में बात करूं तो AKM का गाइस जहां पे अपग्रेडेबल गन का स्किन आएगा, और दूसरा गाइस जहां पे जो अल्टीमेट सेट का इवेंट आने वाला है ये गाइस जहां पे आप लोग देख सकते हो गाइस जहां पे 27 दिसंबर को आने वाला है, और इसके अंदर में गए जहां पे आप लोग को ग्लेशियर का स्कारल स्किन और साथ में गए जहां पे UMP 45 का अपग्रेडेबल स्किन आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी आई गए जहां पे डिटेल में पहले आप लोग दिखा देता हूं कि कौन सा AKM का स्किन है जो कि वापस आप लोग को ऐड होते हुए यहां पे देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो गए जहां पे देख सकते हो जो AKM का स्किन रहेगा इसका नाम है गए जहां पे स्टार सी एडमायरल करके, तो यही गए जहां पे AKM का स्किन है जो कि गए जहां पे बता दूं कि ग्लेशियर से भी ज्यादा अच्छा यह स्किन है, और ये गए जहां पे जो फर्स्ट वाला अल्टीमेट सेट आएगा उसी के साथ में यहां पे रिटर्न आने वाला है, और इसका गाइस यहां पे देख सकते हो टोटल मिला के 8 लेवल है जो कि गाइस यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी को लेकर गाइस यहां पे मेरे को लगता है कि काफी सारे लोग गाइस यहां पे ये वाला स्किन को ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि ये गाइस यहां पे बोल सकते हो कि जो ग्लेशियर है उससे भी काफी अच्छा गाइस यहां पे इसका लुक है। तो कमेंट हो गाइस यहां पे बताइए कि कौन कौन गाइस यहां पे इसको यहां पे निकालने वाला है, और बाकी अगर मान लीजिए कि आप लोग को AKM का स्किन ये ऑलरेडी आपके पास है या फिर ये नहीं चाहिए तो दूसरा गाइस यहां पे आप लोग करो तो देख सकते हो गाइस यहां पे UMP 45 का गाइस यहां पे अपग्रेडेबल स्किन है जो कि गाइस यहां पे बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत गाइस यहां पे ग्लेशियर टाइप का यहां पे लुक है जो कि यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में गाइस यहां पे जो स्कारल का न्यू वाला गाइस यहां पे ग्लेशियर का स्किन है ये आप लोग को मिलने वाला है। तो यहां तो चले गाइस मैंने आप लोग डिटेल में बता दिया कि कौन कौन सा स्किन आने वाला है, कौन कौन सा ग्लेशियर का स्किन आने वाला है, बाकी अब चले गए जहां पे बात करते कि आप लोग को यहां पे एक्चुअल में कौन सा ट्रिक यूज करना है और कैसे गए जहां पे सस्ते में आप लोग चाहो तो आराम यहां पे जो स्किन है उसको यहां पे निकाल सकते हो। तो जैसे कि यहां पे आप लोग पता हो कि अभी यहां पे एक अल्टीमेट सेट का इवेंट चल रहा है, और इसके अंदर में गए यहां पे अगर मैं आप लोग को इसका रिडीम शॉप के अंदर लेके चलो तो देख सकते हो गाइस यहां पे जो रिटर्निंग है जहां पे आप लोग को रिवार्ड रहता है इसके अंदर में आ जाना है, और यहां पे आने के बाद देख सकते हो गाइस आप लोग दिख रहा हो कि जैसे कि यहां पे 3 गए जहां पे जेम में आप लोग को अपग्रेडेबल गए जहां पे गन का स्किन मिल जाता है। तो इसी टाइप से गए जहां पे बता दूं कि जो आप लोग का स्टार सी AKM का गए जहां पे स्किन आने वाला या फिर MP45 का स्किन आने वाला है वो गए जहां पे इसी टाइप से 3 गए जहां पे जेम में आप लोग को यहां पे मिल जाएगा, यानी कि हम लोग को यहां पे टारगेट होने वाला है कि कैसे भी करके 3 गए जहां पे जेम हम लोग को यहां पे जमा करना है, और 3 जेम में गए जहां पे 100% कंफर्म है कि आप लोग को या तो AKM का स्किन लेना तो AKM का स्किन, या फिर गए जहां पे आपको MP45 का स्किन लेना तो MP45 का स्किन मिल जाएगा। तो अभी गए जहां पे बात करते कि अगर मान लीजिए 3 यहां पे जेम चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि यहां पे पता हो कि 100 यहां पे लक होने के बाद कंफर्म है कि मिनिमम गए जहां पे एक तो आप लोग को जेम यहां पे मिलता ही मिलता है, यानी कि यहां पे मान के चलिए कि लगभग 65 स्पिन या फिर 70 स्पिन के आसपास में आप लोग को एक जेम गए जहां पे मिल जाएगा। तो अगर इसको आप लोग डबल कर दीजिएगा तो लगभग गए जहां पे मान के चलिए कि 130 स्पिन या 140 स्पिन के आसपास आप लोग का 100% कंफर्म है कि 2 जेम तो गए जहां पे आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसा तो नहीं गए कि अगर आप लोग 130 और 140 बार स्पिन कीजिएगा तो उसमें गए जहां पे आप लोग को और एक्स्ट्रा जेम नहीं मिलेगा, डेफिनेटली गाइस यहां पे उसके अलावा 1-2 जेम यहां पे और आप लोग को मिल सकता है। और मान लीजिए अगर आप लोग को जेम नहीं भी मिला तो दूसरा गाइस यहां पे एटलीस्ट जो आप लोग का जेम पीस रहता है वो तो गाइस यहां पे आप लोग को मिलेगा मिलेगा, और देख सकते हो गाइस यहां पे 50 जेम पीस में आप लोग क्या होता है कि एक गाइस यहां पे जेम में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, इनके आप लोग गाइस यहां पे लगभग मान के चलिए कि 130 बार तो गाइस यहां पे मिनिमम आप लोग को स्पिन करना ही पड़ेगा तब जाकर गाइस यहां पे आप लोग को यहां पे जो अपग्रेडेबल गन का स्किन है वो मिलेगा। तो सबसे पहले तो गाइस यहां पे काम क्या करना कि क्योंकि जो इवेंट रहता है आप लोग का अल्टीमेट सेट का ये गाइस यहां पे मिनिमम 30 दिन तक तो चलता ही है, तो 30 पर गाइस यहां पे डेली 10 यूसी का स्पिन आप लोग यहां पे आराम से कर सकते हो, इनकी 30 स्पिन तो यहीं से आप लोग का हो गया। बाकी इसके लोग गाइस यहां पे अब बात करते हैं आप लोग का दूसरा ट्रिक, तो यहां पे क्या करना है कि आप लोग पता होगा इसकी प्राइम और प्राइम प्लस सब्सक्रिप्शन रहता है, तो इसको क्या करना है कि अभी के अभी यानी कि जैसे आप लोग मेरा वीडियो देखे जल्दी से जाकर आप लोग को प्राइम और प्राइम प्लस यहां पे जो सब्सक्रिप्शन है इसको परचेज कर लेना है,
और प्राइम में गए जहाँ पे क्या हुआ देख सकते हो गाइस, यहाँ पे 30 UC, 20 UC और 10 UC का वाउचर है जो कि टोटल मिला के गाइस यहाँ पे बता दूं कि 9 आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा एक बार अगर आप लोग यहाँ पे प्राइम को परचेज करते हो तो, और साथ में 150 UC आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा गाइस यहाँ पे क्या करना, प्राइम प्लस को आप लोग परचेज करना, जहाँ पे देख सकते हो गाइस स्टार्टिंग में 300 UC मिलेगा और बाकी डेली करके यहाँ पे 5 UC मिलेगा, यानी कि 450 UC आप लोग को यहाँ पे प्राइम प्लस से मिल जाएगा। और जैसे गाइस यहाँ पे इसको आप लोग परचेज किएगा तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 50 UC का वाउचर है जो कि 18 मिल जाएगा और 30 UC का वाउचर है जो कि यहाँ पे आप लोग को 10 मिल जाएगा, यानी कि 28 के यहाँ पे वाउचर आप लोग को प्राइम प्लस से भी मिल जाएगा एक मंथ के अंदर। तो अगर आप लोग प्राइम और साथ में प्राइम प्लस का गाइस यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो दोनों मिला के यहाँ पे 37, यानी कि आप लोग को गाइस यहाँ पे प्राइम और प्राइम प्लस सब्सक्रिप्शन से 37 के यहाँ पे एक बार में आप लोग को मिल जाएगा, यानी कि एक बार परचेज करते हो तो। और क्योंकि यहाँ पे आज तो आप लोग का 2 ही तारीख है और आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि जो इवेंट आने वाला क्योंकि 27 तारीख को आएगा तो 100% कंफर्म है कि दो बार तो आप लोग प्राइम और साथ में प्राइम प्लस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिएगा, यानी कि 37 × आप लोग यहाँ पे 2 कर दीजिए, यानी कि आप लोग दो बार परचेज कर सकते हो तो 74 times के यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग प्राइम और साथ में प्राइम प्लस का जो वाउचर है उसका यूज करके यहाँ पे आप लोग और यहाँ पे स्पिन कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे 30 तो आप लोग का 10 UC वाला हो गया और 74 times का यहाँ से आप लोग स्पिन कर सकते हो, इनकी टोटल मिला के यहाँ पे आप लोग का हो जाता है 104। तो 104 स्पिन तो गए यहाँ पे बस आप लोग का डिस्काउंट में हो जाएगा और बाकी इसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोग पास यहाँ पे और एक्स्ट्रा BP कॉइन्स होगा, हालांकि यहाँ पे काफ़ी कम लोगों के पास ज़्यादा BP कॉइन्स होता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा बहुत भी आप लोगों पास रहा और एटलीस्ट गए यहाँ पे 6 भी आप लोग यहाँ से 50 UC का वाउचर या फिर 30 UC का वाउचर या फिर गए यहाँ पे अलग अलग वाउचर को रिडीम कर सकते हो तो 104 तो उधर हो गया था और 6 मान लीजिए यहाँ से आप लोग को मिल गया तो 110 स्पिन तो गए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जा रहा कि आराम से आप लोग 110 स्पिन यहाँ पे जो वाउचर है इसका यूज करते हुए गए जहाँ पे आप लोग कर सकते हो। और बाकी अगर मान लीजिए गए जहाँ पे आप लोग पास काफ़ी सारे गए जहाँ पे BP कॉइन्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे लोगों के पास 15 लाख 20 लाख के आसपास BP कॉइन्स रहता है तो अगर इतना ज़्यादा तब तो गए जहाँ पे मान के चलिए कि 16 बार यहाँ पे आप लोग और वाउचर मिल जाएगा तो 120 गए जहाँ पे स्पिन आप लोग क्या कर सकते हो बस वाउचर का यहाँ पे यूज करके कर सकते हो। और इतना ही नहीं, उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन है जहाँ पे देख सकते हो जो आप लोग का रॉयल पास है ये भी गाइस यहाँ पे बता दूं कि आप लोग का 23 तारीख यानी कि 23 नवंबर को है जहाँ पे रिफ्रेश होने वाला है और इसमें भी गाइस आप लोग पता हो कि पूरा अगर आप लोग 100 RP करते हो तो 50 UC का वाउचर है जो कि जहाँ पे 4 आप लोग को यहाँ से भी मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए गाइस उधर आप लोग का 110 ही हुआ और यहाँ से आप लोग 4 मिल जाएगा तो क्या हुआ कि 114 बार गाइस जहाँ पे एटलीस्ट आप लोग स्पिन कर ही सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो 4 गए जहाँ पे डील वाउचर में एक एक आप लोग 50 UC वाउचर यहाँ पे और मिल जाता है तो अगर मान लीजिए गए यहाँ से भी आप लोग थोड़ा बहुत और रिडीम कर सकते हो तो लगभग गए जहाँ पे मान के चलिए कि सारा गए जहाँ पे मिला लीजिएगा तो 120 बार तो गए जहाँ पे आराम से आप लोग चाहो तो जो वाउचर है बस इसी का यूज करके डिस्काउंट का यूज करके लगभग गए जहाँ पे 120 times आप लोग स्पिन कर सकते हो। तो 120 times में गए जहाँ पे आप लोगों क्या हुआ कि लगभग गए जहाँ पे 2 आप लोग जेम के क्लोज यहाँ पे पहुंच जाइएगा और बाकी मान लीजिएगा इसकी 10 बार आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए कि और यूसी लगा के यानी कि 540 UC का लगा के 10 बार और स्पिन कर लीजिएगा तो 130 में मेरे को लगता है इसकी लगभग 2 आप लोगों को जेम मिल जाएगा और बाकी है यहाँ पे जो नॉर्मल आप लोग स्पिन कीजिएगा तो उसमें से भी गए जहाँ पे हो सकता है कि 1-2 गए जहाँ पे जेम आप लोग को मिल जाए और 1-2 जेम अगर नहीं भी मिला काफ़ी खराब यहाँ पे किस्मत रहा तब भी गए जहाँ पे जेम पिस तो एटलीस्ट आप लोग को 50 मिल ही जाएगा तो उससे क्या हुआ कि एटलीस्ट गए जहाँ पे 3 जेम तो आप लोग कैसे भी करके यहाँ पे कर लीजिएगा और 3 जेम में तो गए जहाँ पे AKM का जो आप लोग का अपग्रेडेबल स्किन है या फिर गए स्कारल का स्किन है या फिर गए जहाँ पे UMP 45 का स्किन है कोई ना कोई आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा गए जहाँ पे अब बात करते हैं कि आप लोग को टोटल कितना रुपीज यानी कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो सबसे पहले तो गए जहाँ पे बता दूं कि प्राइम और साथ में जो प्राइम प्लस सब्सक्रिप्शन है इसको अगर आप लोग गए जहाँ पे परचेज करते हो 2 मंथ के लिए तो इसमें लगभग मान के चले गए इसके आप लोग को यहाँ पे लगभग मान के चले गए इसकी 1200 रुपीज के आसपास यहाँ पे खर्च हो जाएगा तो 1200 रुपीज गए यहाँ पे हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे मान के चलिए कि बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग खर्च हुआ तो 800 रुपीज गए यहाँ पे मान के चलिए कि और आप लोग को एक्स्ट्रा यूसी यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा और वो भी गए यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अभी के अभी आप लोग जाकर परचेज कर लीजिए यूसी आपका जो इवेंट है उसके थ्रू और साथ में कुछ डिस्काउंट वाला जो आप लोग गए यहाँ पे ऑफर रहता है उसके थ्रू यहाँ पे परचेज कर लीजिए क्योंकि क्या हुआ गया इसकी अभी आप लोग को लगभग
1.5 टाइम्स यहाँ पे यूसी आपके थ्रू फायदा मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग को और एक्स्ट्रा यहाँ पे बोनस यूसी मिल जाएगा। यानी अगर आप लोग 800 रुपीज के आसपास यहाँ पे खर्च करते हो तो लगभग यहाँ पे 1500 यूसी के आसपास तो आप लोग को आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि मान के चले गए इसकी आप लोग यहाँ पे क्या होगा कि 120 बार इधर स्पिन होगा और 20 स्पिन गए यहाँ पे मान के चलिए कि आप लोग और एक्स्ट्रा यूसी ला के खर्च कर सकते हो। इनकी 140 गए यहाँ पे स्पिन लगभग मान के चलिए कि 2000 रुपीज के आसपास में आप लोगों यहाँ पे खर्च करने के बाद हो जाएगा और इसमें गए जहाँ पे आराम से आप लोग को अपग्रेडेबल जो गन का स्किन है ये मिल जाएगा। तो इससे सस्ता गए जहाँ पे और कोई भी दूसरा ट्रिक नहीं हो सकता जिसमें गए जहाँ पे जो AKM का स्किन है या फिर गए जहाँ पे स्कारिल का स्किन है ये आप लोग को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी मैंने एक एक करके पूरा डिटेल में आप लोग को ट्रिक बता दिया कि कैसे क्या कुछ करना है। अभी के अभी जाकर गए जहाँ पे प्राइम और साथ में प्राइम प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लेना है क्योंकि यहाँ पे 27 तारीख को 100% कंफर्म है कि फर्स्ट आप लोग का अल्टीमेट सेट का इवेंट आने ही वाला है। तो ये था यहाँ पे कंप्लीट ट्रिक है जो कि मैंने डिटेल में बता दिया। बाकी इसके लोग यहाँ पे कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।